हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में केस लॉज डिस्कस करूँगा। मैं इन केस लॉज को बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करूँगा, इनका टाइटल और इस पर क्या कहा गया है, किसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने क्या कहा है, बस इतना सा मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लॉ से रिलेटेड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे क्लैट या फिर जुडिशरी या फिर एनी अनदर एग्जाम विच इज़ रिलेटेड टू द लॉ, फिर उसके बाद में जो मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद में सेकंड और फर्दर जो भी वीडियोस आएंगी, उन सब का जो कमेंट बॉक्स के अंदर मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके फर्दर जो वीडियोस होंगी उनको भी देख सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली मेरी प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो केस लॉ से ही रिलेटेड वीडियो सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं। अगर आपको लगता है कि कोई केस लॉ है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ के व्यू से और वो छूट गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियोस में उसे भी इंक्लूड कर लूं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जो सबसे पहले वाला केस है, वो है NJC हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा गया। केस का टाइटल है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद में याकूब अब्दुल रजाक मैमोन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें याकूब मैनन का एक केस था और मिडनाइट में हियरिंग हुई थी इस केस की। ये पहला केस था जिसमें मिडनाइट में हियरिंग हुई थी और याकूब मैनन की फांसी के रिगार्डिंग ये केस था। फिर उसके बाद में सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट स्ट्रक डाउन। केस टाइटल है श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में नो कॉम्प्रोमाइज इन रेप केसेस, सुप्रीम कोर्ट केस है। केस का टाइटल है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस मदन लाल। फिर उसके बाद में अनवेड मदर कैन बिकेम सोल गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड। केस टाइटल है ABC वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। फिर उसके बाद में उपहार वर्डिक्ट, सुशील अंचल वर्सेस स्टेट थ्रू CBI। ये केस का टाइटल था अवार्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम ऑफ क्राइम। ये कहा गया कोर्ट के द्वारा। केस टाइटल है मनमोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। फिर उसके बाद में विक्रम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या कहा, सेक्शन 364A IPC अवार्डिंग डेथ पेनल्टी नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज श्रीहरन, स्टेट कैन नॉट यूनिलेटरली ग्रैंट रिमिशन, स्टेट अपनी तरफ से ही माफ़ी नहीं दे सकता है। फिर उसके बाद में राजपाला वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, इस स्टेट के ऊपर मैंने स्टार्टिंग से ही नज़र बनाए रखी थी, राजपाला वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा के ऊपर। ये हरियाणा पंचायती राज के इलेक्शन के रिगार्डिंग है, हरियाणा में जो इलेक्शन हुए थे उनके रिगार्डिंग। तो राजपाला जो थी वो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में थी जिस दिन इस केस की जजमेंट आई थी, और ये इलेक्शन के रिगार्डिंग केस था। इसके रिगार्डिंग जो जितने भी लॉ से रिलेटेड चैनल्स हैं उन्होंने रेगुलरली अपडेट देते रहे थे वो। तो इसमें क्या कहा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रूल फॉर पंचायत इलेक्शंस अपहेल्ड। उसके बाद में श्रेया विद्यार्थी वर्सेस अशोक विद्यार्थी, इसमें क्या कहा, वुमेन कैन बी मैनेजर ऑफ अ जॉइंट फैमिली। उसके बाद में प्रेमनाथ बाली वर्सेस रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली, इसमें कोर्ट ने हेल्ड करा कंप्लीट डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज विद इन 6 मंथ्स। फिर उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज जयंतीलाल मिस्त्री, इसमें क्या हेल्ड करा, RBI ऑल्सो अंडर RTI। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि RBI भी RTI के अंडर में है। फिर उसके बाद में परिवर्तन केंद्रा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें हेल्ड किया एसिड अटैक विक्टिम्स इन डिसेबिलिटी लिस्ट। जो डिसेबिलिटी की लिस्ट होती है उसके अंदर एसिड अटैक के विक्टिम्स को भी इंक्लूड करा जाएगा। फिर उसके बाद में डॉक्टर जनेत जयपुर वर्सेज SRM यूनिवर्सिटी, इसमें क्या कहा, रिट पिटीशंस मेंटेनेबल अगेंस्ट द डीम्ड यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद में कॉमन कोज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नो पॉलिटिशियन फोटोज इन गवर्नमेंट एड्स, पॉलिटिशियंस के फोटो गवर्नमेंट एड्स में नहीं लगाए जाएंगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेज अनूप सिंह, इसमें कहा एज डिटर्मिनेशन ऑफ रेप विक्टिम क्लैरिफाइड। और उसके बाद में SR सुकुमार वर्सेज S सुनंद रघुराम, इस केस में कहा अमेंडमेंट इन कंप्लेंट कैन बी डन।
जो कंप्लेंट होती है उसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद में देवीदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें कहा गया ऑब्सीन लैंग्वेज कैन नॉट बी अलाउड अगेंस्ट द हिस्टोरिकली रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़। नेक्स्ट केस है आदि शिवाया शिवचारी यागल नाला संगा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, इसमें कहा गया अपॉइंटमेंट ऑफ दी अचाकास टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद अगमाज। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जजमेंट है सत्यपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें कहा गया फादर ऑफ डिसीस्ड विक्टिम हैज़ राइट टू अपील। नेक्स्ट जजमेंट है राम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आया इसके रिगार्डिंग केस, तो इस केस में कहा गया था जाट रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जजमेंट है किशन मूर्ति वर्सेस शिव कुमार, इसमें कहा गया काउंसिलिंग पेंडिंग क्रिमिनल केसेस बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलीगल। फिर उसके बाद में रिजु प्रसाद शर्मा एक्सेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इसमें कहा गया रिट अगेंस्ट जुडिशियल एक्शन बाई जुडिशरी नॉट मेंटेनेबल। नेक्स्ट केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 499 आईपीसी, कि सेक्शन 499 जो आईपीसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। उसके बाद में नेक्स्ट केस है ये नेक्स्ट है हाजी अली दरगाह डॉक्टर नूर जहान साफिया नाज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट, ये केस है 26/8/2016, ये बर्निंग इशू से रिलेटेड है, ये हाजी अली दरगाह में जो औरतों की एंट्री है उसके रिगार्डिंग था ये केस। फिर है ब्रिजलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस के रिगार्डिंग है। उसके बाद में काला एलियस चंद्री काला वर्सेस स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के रिगार्डिंग केस है। फिर विजय कुमार मिश्रा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एक्ट पटना, इसमें डिस्ट्रिक्ट जज सिलेक्शन के रिगार्डिंग ये केस था। फिर उसके बाद में राजेंद्र प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है 4/8/2016 की जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है ये। फिर उसके बाद में लोक परहरी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बंगलोज के रिगार्डिंग है ये। फिर उसके बाद में सुधीर चौधरी वर्सेस स्टेट वॉइस सैंपल्स के रिगार्डिंग, फिर स्टेट वर्सेस सलमान खान राजस्थान हाई कोर्ट 25/7/2016 की वाइल्ड लाइफ के रिगार्डिंग है ये, सलमान खान का केस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, मीडिया ने इसे कवर किया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट केस है हार्दिक पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये सेडिशन का रिगार्डिंग केस रहा है। फिर ईगल कॉन्टिनेंटल फूड वर्सेस शैलेश सिंह, ये स्लॉटर हाउस के रिगार्डिंग केस है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट केस है ये जगमोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, ये विक्टिम्स के रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद में अयोध्या प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, कंसेंट के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद में ए थ्रू हर फादर एफ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, जूनियल जस्टिस के रिगार्डिंग। फिर उसके बाद में नेक्स्ट केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केस का टाइटल है यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट अपलोड FIRs इन पुलिस वेबसाइट्स, कि जो पुलिस वेबसाइट्स हैं उन पे FIR को अपलोड करो ताकि जो कंप्लेनेंट है वो उसे परेशान ना होना पड़े। फिर उसके बाद में मुथु रामलिंगम वर्सेस स्टेट, इसमें कहा गया मल्टीपल लाइफ सेंटेंसेस विल रन कॉन्करेंटली रिमिशन ऑफ विल नॉट अफेक्ट द अदर, मतलब कि दो लाइफ सेंटेंसेज है अगर वे कॉन्करेंटली चल रहे उनमें से एक में माफ़ी मिल गई है तो दूसरा चलता रहेगा, उससे दूसरे सेंटेंस में कुछ अफेक्ट नहीं होगा। फिर हीरा लाल पी हर्षवा एज अदर। थैंक यू फ्रेंड्स, बाकी की जो केसेस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे।